यह कहानी स्टेसी नाम के औरत के बारे में है जो अपने पति कीथ के साथ एक मिस्टीरियस से घर में रहती है। कीथ एक पुलिस ऑफिसर है जिसकी वजह से वो ज्यादातर टाइम घर से बाहर ही रहता है। वही स्टेसी को रियल एनिमल्स के स्किन का स्टैचू बनाना काफी पसंद था और उसके घर में कई सारे स्टैचूज भी थे। हालांकि वो जिस बैंक में काम करती थी वहां की सभी औरतें काफी खूबसूरत और कॉन्फिडेंट थी और वही स्टेसी अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से कभी भी उनसे बात नहीं किया करती थी। ऐसे ही एक क्रिसमस की रात केट घर पर नहीं होता और स्टेसी घर पर अकेली होती है। वो टीवी देखकर अपना टाइम पास कर रही थी तभी उसे अपने बेसमेंट में से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो एक कुल्हाड़ी लेकर पूरा घर छान मारती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर स्टेसी केत को फोन लगाकर बताती है कि उसे फिर से वे आवाजें सुनाई दे रही है और उसे लग रहा था कि कोई उनके घर में घुस चुका है। पर केत उसे समझाता है कि उनका घर काफी पुराना है और ऐसी आवाजें अक्सर आती रहती है और ये कहकर वो फोन रख देता है। दरअसल यह पहली बार नहीं हुआ है और अक्सर ऐसी आवाजें आती रहती है। अगले दिन स्टेसी अपने काम पर होती है। वही उसकी कलीग्स आपस में बातें कर रही थी और हमेशा की तरह स्टेसी उनमें शामिल नहीं थी। उन्हीं में जीना स्टेसी का मजाक बनाती है। बाद में स्टेसी जीना को एक एक्सपेंसिव जेल अपनी स्किन पर लगाते हुए देखती है और उसी की तरह एक्टिंग करने लगती है। शाम को एक कलीग उसके पास आकर उसे उनके सेंटा पार्टी के लिए इन्वाइट करती है जो कि जीना के घर पर होने वाली थी। इतने साल साथ काम करने के बाद आज पहली बार उन्होंने स्टेसी को अपनी पार्टी में इन्वाइट किया था। अगले दिन स्टेसी उनके लिए गिफ्ट तैयार करने लगती है। वो एक डक को मारकर उसके सभी ऑर्गन्स निकाल लेती है और उसमें कई चीजें डालकर उसका एक रियल स्टैचू बनाती है। वो उसे लेकर जीना के घर पहुंचती है। वह सभी हमेशा की तरह आपस में बातें कर रहे थे। वही स्टेसी उनमें शामिल नहीं होती। तभी सभी गिफ्ट एक्सचेंज करने लगते है। जीना सभी को अपना गिफ्ट देती है जिनमें एलो ग्लो का पूरा सेट होता है जो कि काफी एक्सपेंसिव होता है। फिर स्टेसी जीना को अपना गिफ्ट देती है पर उसे देखकर जीना घबरा जाती है और उसे साइड में रख देती है। साथ ही सभी स्टेसी की तरफ अजीब नजर से देखने लगते हैं। फिर जीना सभी को जेल लगाने के लिए कहती है और सभी उसे लगाने लगते है। वही उन्हें देखकर स्टेसी भी जेल लगाने लगती है पर तभी उसे जेल की वजह से एलर्जिक रिएक्शन होने लगता है और उसकी स्किन पूरी लाल हो जाती है। शर्मिंदा होकर स्टेसी वहां से निकल जाती है। घर पर स्टेसी केत को बताती है कि सिर्फ उसी के साथ ऐसा हुआ और बाकी सभी नॉर्मल थे। पर केत उसे समझाता है कि उसकी स्किन काफी सेंसिटिव है। रात भर स्टेसी अपनी स्किन खुजाती रहती है और जिसकी वजह से वो सो नहीं पाती। परेशान होकर वो नीचे जाकर टीवी देखने लगती है जहाँ उस एलो ग्लो की एडवर्टीजमेंट आ रही थी। जैसे वो एडवर्टीजमेंट आगे बढ़ रही थी स्टेसी को लगने लगता है कि वो आदमी उसी के साथ बात कर रहा है। पहले तो उसे ये काफी अजीब लगता है पर फिर वो भी उससे बातें करने लगती है। स्टेसी उसे बताती है कि जेल यूज करने के बाद उसकी स्किन काफी जलने लगी है पर वो बताता है कि जलना नॉर्मल है और उसकी स्किन जल रही है इसका मतलब है कि वो जेल अपना काम कर रहा है। वो उसे समझाता है कि जेल यूज करने के बाद वो बन सकती है जिसके बस उसने कभी सपने देखे थे। साथ ही वो उसे और भी ज्यादा एलो ग्लो ऑर्डर करने के लिए कहता है और स्टेसी भी उन्हें ऑर्डर कर देती है। अगले ही दिन उसे एलो ग्लो का एक बड़ा सा बॉक्स रिसीव होता है जिसे वो बेसमेंट में रख देती है। केत उसे उस जेल को यूज करने से मना करता है क्योंकि उसकी वजह से वो और भी ज्यादा खराब हो रही थी। वो उसे समझाता है कि ये कंपनीज कस्टमर का ब्रेन वॉश करती है और उन्हें हौसला दिलाती है कि उनमें कुछ कमी है। पर स्टेसी को सच में लगने लगा था कि उसमें कुछ कमी है और वो केत की बात को भी नहीं मानती। परेशान होकर केत अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही स्टेसी उस जेल को कई बार लगाती है पर उसकी स्किन और भी ज्यादा जलने लगती है और वो हमेशा स्किन खुजाती रहती है जिसकी वजह से वो और साथ ही केत भी सो नहीं पाते। परेशान होकर केत उसे ओवन ग्लव्स पहनकर सोने के लिए कहता है। स्टेसी नीचे आकर ओवन ग्लव्स को उठाती है तभी टीवी अपने आप चलने लगता है और वो आदमी उसे अपने पास बुलाता है। स्टेसी उसे बताती है कि उसकी स्किन अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है पर वो उसे समझाता है कि ये जेल अपना काम कर रहा है और उसकी स्किन को उससे कुछ भी एलर्जी नहीं है और वो उसे समझाता है कि उसे अपने आप के नए वर्जन को ग्रो करने देना होगा जो कि वो जेल यूज कर होगा
और यह कहकर वो चला जाता है। स्टेसी उसकी बात मानकर बेसमेंट में नई बॉटल लेने के लिए चली जाती है, पर तभी उन बॉटल्स का ढक्कन अपने आप खुलने लगता है और उनमें से जेल बाहर निकलने लगता है। इसे देखकर स्टेसी डरते हुए वहां से भागकर केत के पास चली जाती है। वो केत को अगले दिन अपने पास रुकने के लिए कहती है, पर वो काम की वजह से नहीं रुक सकता था। वही जेल गिरकर बॉक्स से बाहर निकलने लगता है और फ्लोर पर गिरकर अजीब सा शेप लेने लगता है। अगले दिन स्टेसी देखती है कि उसकी स्किन पहले से बेहतर हो रही है। जब केत घर पहुंचता है तो स्टेसी उसे बताती है कि उसकी स्किन हील हो रही है, पर केत को तो वो पहले से भी ज्यादा खराब लग रही थी और वो उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। पर स्टेसी उसे समझाती है कि वो जेल ही उसे फिक्स कर सकता है, लेकिन केत उसे बताता है कि उसे इन सभी चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही परफेक्ट है। पर वो गुस्सा होकर नीचे चली जाती है। वो बेसमेंट में पहुंचकर देखती है कि वो जेल अब ह्यूमन का शेप ले चुका था। स्टेसी उसके पास जाती है और वो जेल उसी की तरह हरकत करने लगता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और किस करते हैं। आखिर में वे आपस में गले मिलते हैं। बाद में वो ऊपर आती है। केत उसे देखकर शॉक हो जाता है। स्टेसी उसे बताती है कि उसका नया रूप आ रहा है, पर केत उसे समझाता है कि वो कभी भी बदल नहीं सकती और वो जैसी भी हो वो उसे पसंद है। पर स्टेसी को लगता है कि केत उसे बदलने से रोक रहा है और वो गुस्से में चाकू सीधा उसके सर पर मार देती है। हालांकि अपने सर में चाकू घुसे हुए होने के बावजूद केत काफी शांत होता है। वो उसे आराम से बाहर निकालता है और स्टेसी को टॉवेल लेने के लिए भेजता है। फिर वो वॉकी टॉकी के जरिए अपने साथी ऑफिसर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी स्टेसी पीछे से उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। वो उसे तब तक मारती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। फिर वो उस जेल के पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए बाथरूम तक पहुंचती है। वो जेल बाथटब में जाकर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। स्टेसी भी उसके साथ बाथटब में चली जाती है और धीरे धीरे वो जेल उसे अपने आप में समा लेता है। कुछ ही देर में स्टेसी जेल में लिपटी हुई बाथरूम से निकलकर अपने बेडरूम में जाती है। वो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप की खूबसूरती को देखती है। वो नीचे जाकर केत को अपना नया रूप दिखाने लगती है। हालांकि जब उसे समझ आता है कि केत मर चुका है और उसी ने उसे मारा है, फिर भी उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं होता। वो केत की बॉडी को बेसमेंट में ले जाकर उसके अंदर के सभी ऑर्गन्स निकालने लगती है, बिल्कुल उन एनिमल्स की तरह। बाद में वो अपने बाल काटती है और कुछ मेकअप कर अपना बिल्कुल ही नया रूप बना लेती है। वो केत की बॉडी को टीवी के सामने बैठाने के बाद उसे गुड बाय कहकर ऑफिस के लिए चली जाती है। जब वो बैंक में पहुंचती है, सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। वही उसके कलीग्स जो कभी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वो भी उसके साथ बातें करने लगते हैं। वही गीना उसे पूछती है कि क्या उसने अपने आप को कुछ किया है, तो स्टेसी उसे बताती है कि उसने सिर्फ अपनी हेयर स्टाइल चेंज की है। बाद में वे आपस में बातें करने लगते हैं, जैसे वे कभी बिना स्टेसी के किया करते थे। सभी स्टेसी के ड्रेस को टच करके उसकी तारीफ करते हैं। साथ ही जैसे ही स्टेसी हंसती है, उसका साइज वैसे ही बड़ा होने लगता है। जहां उसकी नकली हंसी में उलझन, एंजाइटी, खुशी छुपी हुई होती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।